नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। कुल्टी थाना अंतर्गत बेजडी ग्राम में हरिबोल मंदिर का चबूतरा का आज उद्घाटन हुआ। ये चबूतरा स्थानीय लोगों ने 3,75,000 रुपये की लागत से बनाया है, जिसका उद्घाटन आज मानव अधिकार प्रोडक्शन के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष बिहार राज्य प्रभारी आचार्य संतोष कुमार पांडे ने किया। आचार्य संतोष कुमार पांडे पेशे से ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष सम्राट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। इस दौरान ECL के BMP ग्रुप के एजेंट AK सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज के लिए मंदिर उजाला लाता है और प्रभु जी का सामने इस उजाला देने का बाद हम लोग प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे। এটা বেজডি গ্রামে এটা হরি মন্দিরে রয়েছে। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের একটা স্বপ্ন ছিল যে বেজডি গ্রামে একটা পার্মানেন্ট হরি মন্দির তৈরি করব। আমরা গ্রামের সহযোগিতা নিয়ে এটা তৈরি করতে পেরেছি এবং যার জন্য আজকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিনটাও ভালো। আমরা ভেবেছিলাম একদিন ওপেনিং করব। হ্যাঁ, আমাদের আশেপাশের যারা গুণীজন আছে, যারা আমাদেরকে হাত বাড়িয়েছে এই স্টেজটা করার ব্যাপারে, হ্যাঁ, তাদেরকে নিয়ে পড়ে আমরা একটা ওপেনিং করব। এবং এই ওপেনিংয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের কিন্তু যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হরিনাম সংকীর্তন, সৎসঙ্গ, এইগুলো আমরা করব। আজকে আপনাদের এখানে কি কি অনুষ্ঠান আছে? আজকে আমাদের মূলত এরপরেই আমাদের যেটা শুরু হবে, একটা মাতৃ সম্মেলন শুরু হবে, যা ঠাকুরের মায়ের গুণগান করবে। তারপরেই আমরা শুরু করব সৎসঙ্গ, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের, হ্যাঁ, নামগান শুরু হবে। এটা হরিকীর্তন নাম দেওয়া হবে না হরিকৃষ্ণ নাম? না, এটা গৌরাঙ্গ মঞ্চ, গৌরাঙ্গ মঞ্চ এটা অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এই জমিটা ইসেলের পক্ষ থেকে না স্কুলের? না, এটা সম্পূর্ণ গ্রামে গ্রামে জমি। আজকে বিশেষ অতিথি কে আছেন? আজকে আমাদের মানব অধিকার প্রেসিডেন্ট জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের প্রেসিডেন্ট, আর আমাদের এজেন্ট সাহেব আছেন, হ্যাঁ, এনারা আছেন, বাকি সবাই রয়েছেন। আর কি কি অনুষ্ঠান করবেন এখানে আজকে? আজকে তো সৎসঙ্গ হচ্ছে, এটার পরে সৎসঙ্গ হবে, তারপরে শেষের দিকে গ্রামের মেয়ে ছেলেরা একটু এন্টারটেনমেন্টের জন্য নিজেরা একটু গান বাজনা করবে। কদিনের এটা অনুষ্ঠান? এটা মোটামুটি আমাদের 12 তারিখে শেষ হচ্ছে, 12 তারিখে কুঞ্জমঙ্গ, রাত্রেবেলায় আমরা একটা যাত্রার অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম করেছি, রাতে যাত্রা হবে, তারপরে পরে সেই দিন শেষ হয়ে যাবে, 12 তারিখ রাতে। স্যার, আমার নাম ভরত মাঝি। यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे आप एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ कर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुलियरी बेल्ट है, बेजडी कुलियरी, और हमारे गुरुदेव जी के लिए आज यहाँ पे मैं आया हूँ और ओपनिंग भी है। बहुत ही खुशी लग रहा है मुझे ग्रामवासियों से मिल करके, खास करके भरत दा, हमारे संतोष दा, और काफ़ी सारे हमारे जो भी मित्र हैं, नवन्नो नवन्नो दा, मतलब जो भी हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की माहौल है। इस इलाके से आपकी कोई यादगार जुड़ी हुई है कुछ? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से बेजडी कोलेरी से हमारे पिताजी हवलदार हुआ करते थे, 2014 में रिटायर हो गए हैं। मैं यहाँ काफ़ी दिन 3-4 साल गुजारा हूँ और बहुत यादगार जुड़ा हुआ है मुझे बेजडी कोलेरी से, बहुत यादगार जुड़ा हुआ है। आप जिससे जुड़े हुए हैं उसको, उससे क्या यहाँ पे मेम्बर वगैरह हैं? नहीं, अब ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मानव अधिकार प्रोटेक्शन पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष होने के नाते अभी काफ़ी सारे हमारे मेंबर हैं। और कोई मैसेज है यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ के लिए मैसेज यही है कि हमारे गुरु जी का आशीर्वाद से आज मैं भी आगे बढ़ा हूँ, गुरु जी का सत्संग भी आज यहाँ है। मैं यही चाहूँगा कि गुरु जी को मन से जो भी आदमी पूजा पाठ कर रहा है या इष्टिवृत्ति कर रहा है उसको निभाए, उसमें फांकी ना मारे, प्रभु से झूठ ना बोले, ये मेरा मेन मकसद है जिसके लिए मैं आया हूँ। अनुकूल चंद्र ठाकुर जी हमारे गुरु जी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि हमारे जितने भी गुरु भाई हैं सब लोग खुश रहें और अच्छे से उसमें मन से पूजा पाठ में लगे रहें। कैसा लगा? ये हमारे समाज में हम लोग प्रत्येक दिन अपने कार्य में लगे रहते हैं, दुख सुख सब में लगे रहते हैं, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें भगवान का स्मरण करने हेतु हम लोग जो सब लोग ग्रामवासी, बेजडी के ग्रामवासी यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत अच्छा लगा और आदमी को एक आध्यात्मिक शांति मिलती है, त्याग तपस्या की भावना आती है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। जो लोग त्याग के मूरत हैं उनको हम लोग याद करते हैं। धन्यवाद। अपनी जज के प्रोग्राम का आशासन कैमन लगे? ये प्रोग्राम खूब सुंदर प्रोग्राम हो बेजडी ग्रामेर पक्ष के,
এবং আমার মনে হয় যেটা ঠাকুরজি এখানে যে মূল ব্যাপারটা ছিল যে সমাজকে নিয়ে চলতে হবে, সমাজকে নিয়ে চললে সমাজ গড়ে উঠবে এবং মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলিতভাবে সমাজকে চালাবার একটা প্রেরণা তিনি দিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় এই সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, কীর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ সেটাই শিক্ষা নেবে এবং আমরাও যাতে সমাজের উপকারে লাগি এবং সমস্ত মানুষ যাতে একভাবে কাজ করতে পারি সেই অঙ্গীকার নিয়ে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। আসেননি তাদের আমরা বিশেষভাবে আবেদন করছি, আপনারা আসুন, অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি আমরা। আজকের এই বিশিষ্ট অতিথিদের শ্রী আচার্য সন্তোষ পাণ্ডে, এ কে সিং এজেন্ট সাহেব এবং অনারেবল অ্যাকাউন্টেন্ট সত্যহ চৌধুরী সাহেব। और बहुत पावन दिन है आज, अक्षय तृतीया है और मानव अधिकार प्रोटेक्शन को तो मैं बाद में हूँ, पहले एक आचार्य हूँ और ज्योतिषाचार्य में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और इस गांव से हमारा पुराना रिश्ता है। बहुत अच्छा लगा आज हमको आके और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, जो कि लोग हमको समझे और मैं यहाँ पहुँचा, गुरु का आशीर्वाद है। मैं भी गुरु का भक्त हूँ, दिल से मानता हूँ। आप लोग को यही कहूँगा कि दिल से मानिए, कोई भी चीज़ को कीजिए तो दिल से मानिए। मैं भी बहुत दिल से माना और गुरु का आशीर्वाद है जो आज मैं पूरे पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य को टेकअप कर रहा हूँ। और पहले जब मैं बचपन में था तो मैं पहले चल खड़ा होकर के चल नहीं पाता था, मैं एक विकलांग था और गुरु का आशीर्वाद हमने चित्तोदा के द्वारा लिया और तब से मुझे 5 साल के अंदर देख लीजिए आज गाड़ी खड़ा है, बॉडीगार्ड खड़ा है और हमको पता नहीं अभी कहाँ कहाँ जाना है। बस अभी निकलेंगे तो कान में लोग बोलता है कि अब वहाँ जाना है, अब वहाँ जाना है, अब वहाँ जाना है। तो ये गुरु का कृपा है और गुरु को कोई भी भजेगा तो नित्य रूप से जो मन लगा करके करते हैं, जैसे इष्ट वृत्ति करते हैं या जो भी करते हैं, मन से करना है, फांकी नहीं मारना है। फांकी मारने से आगे नहीं बढ़ेंगे आप, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन यदि मन से आप करते हैं, गुरु को भजते हैं तो मेरा दावा नहीं गारंटी है, यही गुरु जी आपको फिर आगे बढ़ा देंगे और बहुत ऊंचाई तक आप छुएगा। मतलब सेलिब्रिटी ऑफ बेस्ट जी को लेरी बहुत हमको अच्छा लगा, गर्व है संतोष दा को और गर्व है उनके टीम को, गर्व है भरत दा को जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके आप लोग के बीच में खड़ा किया। और मैं सभी को दिल से नमन और आभार और हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। जिनके सानिध्य में संपर्क में मेरा कुलियरी बेजदी कुलियरी है और मैं उसका अभिकर्ता हूँ। मुझे पहली बार इस गांव आने का मौका मिला और ऐसा मौका जिसमें भगवान के स्तुति के लिए कुछ समय निकालना था और मैं यहाँ आया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, संपर्क हुआ। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं लेकिन अपने आगे के समय के लिए, अपने सत्य वचन के लिए, अपने स्वहृदय बनने के लिए इन कार्यों में थोड़ा सा पीछे रहते हैं। आज ये मौका है कि हर एक आदमी अपने अंतरात्मा को टटोले, त्याग तपस्या इस सब की भावना को आगे बढ़ाएं, जिससे कि सोसाइटी और हमारी सोसाइटी और समृद्ध होगी, एक दूसरे से हम घुल मिल सकेंगे और भगवान की असीम अनुकंपा हम पर होगी। बात सही है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे समय में जब किसी का ध्यान लगाना होता है, गुरु से ही परमात्मा का मिलन होता है, तो आदमी अपने पुरुषार्थ, अपने कार्य के हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार इन बेजगी ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूँ।